यानी कि आपको हर वर्ष जो ब्याज का पैसा मिलेगा वो मिलेगा 20/3% पर। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथी जी। इस लेक्चर में मैं आपको साधारण ब्याज के टॉप 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, और ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम लाइक SSC एग्जाम, रेलवे, बैंक, पुलिस में जो साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बेस पर बनाए हुए हैं। यानी कि अगर आप इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लेते हो तो साधारण ब्याज के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से फाइंड कर लोगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको साधारण ब्याज के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए शॉर्ट मेथड बताऊंगा, जिसमें ना तो हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले दो पॉइंट जान लो। उनमें से फर्स्ट पॉइंट ये है कि साधारण ब्याज में जब भी पैसा उधार दिया जाता है तो जो ब्याज का पैसा मिलता है वो हर वर्ष बराबर मिलता है। अब वो कितना मिलेगा ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक मूलधन पर, मूलधन मतलब जो हमारा प्रारंभिक पैसा होता है, दूसरा ब्याज की दर पर। तो वो कितना मिलेगा वो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है यानी जो प्रारंभिक मान होता है वो 100% होता है, जब तक कि उसमें कोई चेंज ना किया जाए। अगर हम ऐसा लेकर चलते हैं यानी बेस हम अगर 100% लेकर चलते हैं तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट या नंबर में कोई भी चेंज किया गया या फिर कोई कंडीशन लगाकर उसकी वैल्यू चेंज की गई तो हम आसानी से बता देंगे कंपेयर करके 100% से कि उसमें कितने परसेंट चेंज हुआ या फिर अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका मैं इस चैप्टर में ऐसे यूज़ करूँगा कि जो हम पैसा उधार देते हैं यानी जिसे हम क्या कहते हैं मूलधन, उसकी वैल्यू में 100% लेकर चलूंगा, क्योंकि हमारा पैसा होता है कंप्लीट होता है वो, तो क्या होती है वो 100% वैल्यू होती है। अब उसको हमने ब्याज पर दिया तो ब्याज पर देने के बाद कुछ समय बाद हमारा पैसा वापस मिलेगा तो हमें ज़्यादा मिलता है मूलधन से, तो हम आसानी से बता देंगे कि वो कितने परसेंट ज़्यादा मिला। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं जो कि साधारण ब्याज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यानी जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है साधारण ब्याज पर वो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इसमें आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है 5 वर्ष का, और साथ में हम मिश्रित धन भी ज्ञात करेंगे। ओके, तो इसके लिए जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो अन्य जो हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे उनके सॉल्यूशन के लिए बेस बनेगी। तो ध्यान से देखना, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको करना क्या है, बस आपको जो ब्याज की दर है जितनी भी हो आपके क्वेश्चन में, जैसे आप बस 6% है, उसको आपको भिन्न में बदलना है। कैसे बदलते हैं, अगर कोई नंबर है 1% है, ठीक है ना, इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है तो इसका कैसे बदल सकते हैं, परसेंट हटेगा और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई भिन्न है, इसको अगर आपको उसमें परसेंट में बदलना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंट में आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आगे ये परसेंट में आ जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरह से ही आपको अपनी जो ब्याज की दर है उसको भिन्न में बदलना है। तो 6% है तो इसको मैं भिन्न में बदलूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 6/100। ओके, तो यही करना है आपको, अपने क्वेश्चन की जो दर है उसे लेना है और उसे भिन्न में बदलना है। अब आपको क्या देखना है, अपने क्वेश्चन में देखना है मूलधन कितना है जिस पर आपको ब्याज काउंट करना है। जैसे यहाँ पर 1500 रुपये है तो आपको सोचना है कि ये जो नीचे 100 लिखा हुआ है इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये मूलधन बन जाए, मूलधन कितना 1500 रुपये बन जाए। ओके, तो डायरेक्ट है, देखो सिंपल है, 100 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 1500 बन जाए, 15 से, बस यही आपको करना है। तो जितने से मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए उतने से आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी, ये तो बेसिक रूल होता है। तो ये जो ऊपर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा यही आपका 1 साल का साधारण ब्याज का रुपया हुआ, कितना हो गया 1590 रुपये। तो यही आपका 1 साल का साधारण ब्याज हो गया। अब आपको कितने का चाहिए, 5 वर्ष का। जैसा कि मैंने बताया था कि साधारण ब्याज में हर वर्ष पैसा बराबर मिलता है, तो 1 साल में जब 90 मिल रहा है तो 5 में कितना मिलेगा, 450 रुपये, यानी कि उतने से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ गया 450 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें मिश्रित धन नहीं पूछा, मिश्रित धन मतलब जो आपने प्रारंभिक पैसा था और ब्याज का पैसा कितना मिला उन्हें दोनों को ऐड कर दो तो वही मिश्रित धन होता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो कितना हो जाएगा, 1950 हो जाएगा, 450 में ऐड कर दो
कितने 1500, तो ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसमें आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो इसको एक दो बार पढ़ना तो ये समझ में आ जाएगा। इसमें बोला गया कि कोई धन 15 वर्ष के लिए किसी ब्याज की दर पर उधार दिया गया। तो कोई धन मतलब प्रारंभ में कौन सा धन देते हैं हम उधार पर, मूलधन, यानी जो हमारा मूलधन था वो 15 वर्ष के लिए एक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। तो 15 वर्ष के बाद जब आपको अपना पैसा मिलेगा तो वो कितना मिलता है, दुगना होकर मिलता है, यानी मूलधन का दुगना मिलता है। और आप जानते हो जो पैसा हम उधार देते हैं किसी समय के लिए किसी भी ब्याज की दर पर, जब वो हमारा समय कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें कुछ पैसा मिलता है, वो पैसा क्या कहलाता है, मिश्र धन बोला जाता है, जिसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, मूलधन हमें वापस मिलता है पूरा प्लस ब्याज का पैसा मिलता है। तो वही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, अब मैंने जो आपको वो शुरू में जो सेकंड पॉइंट बताया था वो यूज होगा इसमें। देखो इसमें मूलधन है, ठीक है ना, हमें पता नहीं है कितना है मूलधन, ये मेरा मूलधन है, ये मूलधन क्या हुआ 15 वर्ष के लिए उधार दिया गया किसी के लिए, कोई भी दर होगी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ, 8% कोई भी ब्याज की दर थी जिस पर 15 वर्ष के लिए पैसा उधार दिया गया। अब ये मूलधन 15 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो इसके बाद जब 15 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दुगना मिलेगा। ओके, दुगना मिलेगा यहाँ पर हमारा पैसा। एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था शुरू में कि मूलधन हमारा क्या होता है, 100% होता है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ, यानी कि 100% मुझे मिलेगा। अब ये 15 वर्ष के बाद दुगना मिलता है मूलधन का, जब मेरा मूलधन 100% है तो यहाँ 15 वर्ष के बाद मुझे इसका दुगना पैसा कितना मिलेगा, मतलब 200% रुपये मिलेगा मुझे भाई, 200% ही तो मिलेगा। इसमें कहा गया है ना कि ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो मूलधन अपने का दुगना हो जाता है, यानी 100% मेरा मूलधन था यहाँ पर, यानी 15 वर्ष से पहले, तो 15 वर्ष के बाद उसका दुगना क्या होगा, 200% होगा। और 200% का मतलब ये क्या है, ये आपका मिश्र धन है। ओके, जब मेरा समय कंप्लीट हो गया तो जो मुझे पैसा मिलेगा टोटल, वो मिश्र धन ही तो होता है, जिसमें क्या होता है, मूलधन होता है और प्लस ब्याज होती है। तो आप बताइए मूलधन मेरा कितना है, 100%, तो ब्याज कितना बचा, जिससे कि 200% हो जाए तो 100% ही बचा। तो ये आ गया आपका, यानी 15 वर्ष में आपको जो ब्याज का पैसा मिलेगा वो 100% मिलेगा। जब 15 में 100% मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा भाई, डिवाइड कर देते हैं हम अपॉन 15, तो ये आ गया 20/3%, यानी कि आपको हर वर्ष जो ब्याज का पैसा मिलेगा वो मिलेगा 20/3% पर। ओके, तो ये थी वार्षिक ब्याज की दर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं, देखो क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो अगर हम एक्स वगैरह यूज़ करते हैं वेरिएबल तो बड़े अच्छे से समझ में आता है, तो मैं उससे भी समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया था ये। लेकिन इक्वेशन और फॉर्मूला वगैरह कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। कोई धन था, मैंने सपोज कर लिया एक्स था, तो ये मेरा क्या था, मूलधन था, ठीक है ना। अब ये 15 वर्ष के बाद दुगना हो गया, मुझे जो मिलना है तो 2x ही तो मिलेगा दुगना, ठीक है ना। अब ये जो मिलेगा मुझे 15 वर्ष के बाद कंप्लीट पैसा, ये क्या होगा, ये मिश्र धनी तो होगा, ठीक है ना, मिश्र धनी होगा ना, जिसमें क्या होगा, मेरा मूलधन होगा x और प्लस ब्याज का पैसा। तो मैं इस यानी मूलधन में कितना ऐड करूं कि मेरा 2x हो जाए, तो x ही, तो आपको x जो है ब्याज का पैसा मिलेगा। x मेरा कितना होता है मूलधन, 100%, यानी कि आपको 100% 15 वर्ष का ब्याज मिलेगा। जब 15 वर्ष में 100% मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 100/15%, यानी कि वही आ गया 20/3%। ओके, तो इसमें क्या यूज हुआ, जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मूलधन क्या होता है, 100%, तो यही हुआ ना। अब उस पर कंडीशन लगी, उसके बाद वो दुगना हो गया, तो मैंने आसानी से बता दिया कि कितना ब्याज हमें टोटल मिला वार्षिक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो साधारण ब्याज पर तीसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, ब्याज की वार्षिक दर। देखो इसमें क्या कहा गया है कि कोई धन है जो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, तो 3 वर्ष जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो धन था यानी मूलधन था उस पर आपको कुछ ब्याज का पैसा मिलेगा। तो वही ब्याज का पैसा आपको इसमें कितना दिया गया है कि वो मूलधन का 3/5 मिलेगा। यानी कि अगर आपको मूलधन पता होता तो आप आसानी से बता देते कि हमें ब्याज का पैसा कितना मिलेगा। कैसे बता देते, उसमें 3/5 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं बिना मूलधन के ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। कौन सा पॉइंट यूज़ करके, जो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया था कि मूलधन की वैल्यू क्या लेकर चलनी है आपको, 100%। तो हो गया क्वेश्चन। देखो मुझे नहीं पता मूलधन कितना था अंकों में, नंबरों में, मैं तो बस ये जानता हूँ कि मेरा प्रारंभिक पैसा था तो वो कितना था, 100% था। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो मेरा मूलधन कितना भी होगा वो मैंने क्या ले लिया, अपना 100% ले लिया बस। अब आपको जो ब्याज का पैसा मिलना है 3 वर्ष के बाद, वो 3/5 मिलना है मूलधन का। तो इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। अगर मैं 3/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे साधारण ब्याज मिल जाएगा ना, कितना मिलेगा। तो देखो कितना आया, ये 20 यानी इंटू 30 यानी कि 60%, यानी 60% मुझे ब्याज का पैसा मिलेगा 3 वर्ष के बाद। लेकिन मुझे फाइंड करना है वार्षिक दर, यानी 1 वर्ष में कितना मिलेगा। जब 3 में 60 मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो वो 60/3 से डिवाइड कर लो, कितना मिलेगा, 20%। यही आपके 1% ब्याज की वार्षिक दर होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था। बस कॉन्सेप्ट अगर आप इसको यूज़ करते हो तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। साधारण ब्याज पर चौथे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है। इसमें बोला गया है कि किसी धन की 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करो। वह धन का मतलब इसमें क्या फाइंड करना है, मूलधन, यानी कि मूलधन कितना है। तो देखो फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इसमें आपको अगर मूलधन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1 वर्ष में साधारण ब्याज का रुपया कितना मिलेगा। अगर वो हमें मालूम पड़ता है, पड़ जाता है, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, उसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे मूलधन को। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज का रुपया। इसमें बोला गया है कि 7 वर्ष में जो आपको ब्याज का पैसा मिलेगा और 10 वर्ष में जो आपको ब्याज का पैसा मिलेगा, इन दोनों का अंतर 150 रुपये है। तो क्यों है अंतर, क्यों है, उसका रीज़न ये है कि 10 वर्ष के बाद जो आपको साधारण ब्याज का पैसा मिलेगा वो ज़्यादा होगा किससे, 7 वर्ष के बाद जो ब्याज का पैसा मिलेगा उससे। भाई जाहिर सी बात है, तो ज़्यादा तो मिल रही है। अब जब ज़्यादा मिलेगा तो दोनों के साधारण ब्याजों का जब आप डिफरेंस यानी अंतर फाइंड करोगे तो वो 150 रुपये आया है। तो आप बताइए ये कितने वर्षों का साधारण ब्याज का रुपया है, 3 वर्षों का ही तो है, क्योंकि 7 से 10 कितनी ज़्यादा है, 3 वर्ष। तो जो 3 वर्ष ज़्यादा आपने पैसे को उधार दिया हुआ था उस वजह से आपको 150 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, कहाँ पर, इस वाले रीजन में। तो 3 वर्ष का हमें साधारण ब्याज मिल गया 150 रुपये। तो 1 वर्ष का आप बता सकते हो, क्लियर सी बात है, कितना मिलेगा, 50 रुपये। भाई 3 वर्ष का साधारण ब्याज का पैसा 150 रुपये मिल रहा है तो 1 वर्ष का 50 रुपये मिलेगा। बस इसी से आप फाइंड कर लोगे क्या, मूलधन। देखो अब मूलधन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको वो ट्रिक अपनानी पड़ेगी जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बताई थी। क्या बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ब्याज की दर पता हो तो उसकी हेल्प से आप बता सकते हो 1 वर्ष का साधारण ब्याज का रुपया। कैसे बताते हो कि आपको ब्याज की दर लेनी होती है और उसको किस में बदलना होता है, भिन्न में। तो 5% का मतलब क्या होगा, 5/100। एक बात बताइए, अगर मुझे मूलधन पता होता तो मैं ये सोचता कि मैं यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा मूलधन बन जाए, यही तो मैंने बताया था। तो मुझे फिलहाल मूलधन के बारे में पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे 8 रुपये से मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पर।
तो जितने से यहाँ पर करता था उतने से यहाँ पर करनी पड़ेगी, करनी होती है कि नहीं। अब यहाँ पर जो दो नंबरों की मल्टीप्लाई होती है वो किसके बराबर आती है, एक वर्ष के साधारण ब्याज के रुपए के बराबर आती है, जो कि मेरा कितना है 50 रुपये। तो आप आर की वैल्यू बता सकते हो यहाँ से कितनी होगी, दिस इम्प्लाइज आर हमारा हो गया 10 10 हो गया, यानी कि हमें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो नीचे जब मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ 100 में, तो ये मेरा क्या देता है मूलधन, जो कि कितना है 10 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो गया, तो यही मेरा मूलधन हो गया। ओके, तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ फाइनल, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बताया था। तो ऐसा नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट बताएं उनका आपको डायरेक्ट ही यूज़ करना हो, कभी कभी ये होता है कि रिवर्स भी आपको यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है। ओके, तो कुछ इस तरह से था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। पांचवे टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक धनराशि 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, इसमें ये पूछा गया है कि एक धनराशि है, कोई भी धनराशि का मतलब मूलधन है, जो साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपना दुगना हो जाता है, तो वो कितने वर्षों में अपना 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वो यही होगा कि साधारण ब्याज में जो भी धनराशि है वो हर वर्ष बराबर बढ़ती है, यानी कि साधारण ब्याज में ब्याज का पैसा हर वर्ष बराबर मिलता है, बस इसका यूज करना है और सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कोई धनराशि थी प्रारंभ में, यानी कि 20 वर्ष से पहले, कितनी होगी मूलधन, मूलधन क्या होगा अपना 100% होगा, तो वो 20 वर्ष के बाद कितना हो गया 200% हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कहा गया है ना कि धनराशि अपने का दोगुना हो गई, तो 100% का दोगुना कितना होगा 200%। तो यहाँ से मुझे बता सकते हो ये 100% से 200% होने में कितने परसेंट बढ़ी, तो क्लियर सी बात है कि ये कितना बढ़ी है 100% इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, यानी ये 100% बढ़ी है, तभी तो 200% हुई है। तो 20 वर्षों में कितनी बढ़ती है, 20 वर्ष में बढ़ती है ये 100%। तो एक वर्ष में बता दोगे कितना होगा, क्लियर सी बात है, तो एक वर्ष में बढ़ेगी परसेंट, यानी कि 5%, यानी कि इस धनराशि को हर वर्ष 5% बढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो 20 वर्षों में कितनी होगी 200% होगी। तो इसे आप एक वर्ष में ये जो 5% बढ़ रही है इसे आप वार्षिक ब्याज की दर भी बोल सकते हो। ओके, अब देखो इसमें पूछा क्या गया है कि वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगी। इसमें पूछा गया है कि अगर आपकी मूलधन 100% है तो वो कितने वर्षों में अपने का 4 गुना, मतलब 400% हो जाएगा। तो यहाँ मुझे आप बता सकते हो कि 100% से कितने परसेंट और मुझे बढ़ाना पड़ेगा उसको कि वो 400% हो जाए, तो क्लियर सी बात है 300% और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 300% आपको बढ़ाना है इसका ही इस क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है, क्योंकि मुझे पता है एक वर्ष में कितना बढ़ता है 5%, 300% बढ़ाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए मुझे लगेंगे वर्ष कितने 300/5, यानी कि 60 वर्ष, यानी कि हर वर्ष 5% बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, 60 वर्ष जब हो जाएंगे उसके बाद वो धनराशि 300% बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो कितना आंसर आ गया 60 वर्ष हो गया। ओके, तो ये देखो साधारण ब्याज पर लास्ट टाइप के क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था, इसको आप नोट कर सकते हो। अब अगर मैं कॉन्क्लूजन के तौर पर बोलूं तो इसमें आपको 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं, जिनको आपको अपना मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बनाना है। तो फर्स्ट था साधारण ब्याज से रिलेटेड था डायरेक्ट, उसमें क्या था कि साधारण ब्याज में ब्याज का पैसा हर वर्ष बराबर मिलता है। दूसरा पॉइंट था कि कोई भी नंबर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक कि उसमें कोई चेंज ना किया जाए तो वो कितना होती है अपनी 100% होती है। 100% हमने इस चैप्टर में कौन सी वैल्यू यूज़ की, मूलधन, क्योंकि मूलधन अपना प्रारंभिक वैल्यू होती है, इसलिए उसको हम क्या लेके चलते हैं 100%।
तो आपको अपनी तरफ से एक्स वाई कुछ मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 100% मानिएगा। उसके बाद उसमें क्या चेंजेस होता है, उस पर क्या कंडीशन लगती है, आप आसानी से लगाकर उस कंडीशन को आंसर बता दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि इसमें आप परफेक्ट हो जाओ। ओके, तो मुझे आशा है कि ये आपको पसंद में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।